हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बज रहे सुबह के 9 और ये बारिश ने हमारा पूरा स्केड्यूल ख़राब कर रखा है। तीन दिन से मस्त लगातार हम लोग जॉगिंग के लिए जा रहे थे, बहुत सही था। मतलब टाइम पे उठो और सुबह सुबह जॉगिंग करने बहुत मज़ा आता था, फुल डे फ्रेश लगता था। बट दो तीन दिन से बारिश हो रही है तो हम लोग जा नहीं पा रहे। देखिए अभी भी स्टिल बारिश हो रही है, पूरा गिल्ला है यहाँ पर और पूरा स्मोक स्मोक हो रखा है। मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा, आगे के घर भी नहीं दिख रहे ठीक से, यहाँ पे थोड़े बहुत दिख रहे, बाकी ये कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो आज सबसे पहले जाके नेल्स कट करेंगे। मेरे लिए मेरे हिसाब से नेल्स बहुत बड़े हो गए और इसमें गंदगी जल्दी बैठ जाती है, तो फटाफट जाके पहले नेल्स कट कर लेता हूँ। अभी नमस्ते, दुकान में है? हाँ। ये दो है, आपको कौन सा चाहिए इसमें? एक पिंक वाला, एक चॉकलेट वाला। चॉकलेट वाला। ओके। बस बिस्किट ही? हाँ। ओके। हर 2 मिनट में दुकान में कोई ना कोई आ जा रहा है और फिर बारिश के कारण थोड़ा थोड़ा भीग जा रहा हूँ, तो अभी मुझे ये शॉर्टकट मारना पड़ेगा। क्या हुआ, पानी गिर रहा है ऊपर से? हाँ यहाँ पे भी गिर रहा है थोड़ा बूंद। किधर से गिर रहा है? हाँ इधर से, अभी भी गिरते जा रहा है वो बार बार। वो देखो हिल रहा है पूरा, बस वहां से आ रहे हैं ना, नहीं तो पता चला रात भर बारिश है तो पूरा ये गिल्ला हो जाओगे आप, गिर जाएगा। अभी वो आप ट्रैक पैंट ही सिल रहे हो क्या? अभी तो सील मिला। अच्छा अच्छा, फिलहाल चाची मेरे ट्रैक पैंट का जुगाड़ कर रही है, थोड़ा सा फट गया था तो गांव में चलाने के लिए वही यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास कुछ और है नहीं। तो चाची उसी का काम कर रही थी और ऊपर से पूरा पानी टपक रहा है। मतलब ये घर बहुत जूना है, एटलीस्ट 25 साल से भी ज़्यादा हो गया ये घर को, और ऊपर से पूरा पानी टपक रहा है। तो आज घर में कढ़ी बन रहा है और चाची ने मुझे मक्खन बनाने का काम दिया है, तो जब तक इसका मक्खन नहीं बनता तब तक मुझे इसको घुमाना पड़ेगा। हाथ दुखे, ये मक्खन कब बनेगा इसका? थोड़ा थोड़ा आया है, और कितना करने का है? बोल तो क्या है? अरे बस और करूँ। तो फाइनली इतना मक्खन निकल दिया है, खाने तो बहुत मजा आता है बट मक्खन निकलते निकलते पूरी हालत टाइट हो जाती है। तो हम इसको अभी साइड में निकाल के रखेंगे और बाद में रोटी के साथ खाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी हम लोग इसे फिलहाल फ्रिज में रखेंगे। भीग गए पूरा, छाता लेके जाने के बाद भी भीग गए तू। तो छाता क्यों लेके गए फिर? तो सपना भी आ गई है गाय चरा के, पर छाता लेके जाके कुछ फायदा नहीं है, पूरा भीग के आ गई। क्या है वो अपने बारे धुआ? अरे तो आ रहा कहाँ से वो? पता नहीं। सो गाइस देखिए, ऑटोमेटिक कहीं से तो स्मोक ही स्मोक आ रहा है, यही कहीं से नीचे से। ऐसे कैसे चाची? पता नहीं, हम तो तो किसी ने देखा ही नहीं है, चाची और मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहे। ऐसा लग रहा है कि आग लगी होगी, बट आग तो लग नहीं सकती क्योंकि सुबह से बारिश ही बारिश हो रही है, पूरा गिल्ला ही गिल्ला है। तो ये पक्का स्मोक ही है, सुबह से बहुत बारिश होने के कारण हम लोग घर के अंदर ही बैठे हैं
सोचा क्या करे घर पे बैठे बैठे। ओ शिट, यहाँ पे चप्पल छूट गया यार मेरा। तो अभी हम लोग नेबर के पास जा रहे हैं, जिनकी अभी रिसेंटली लॉकडाउन में शादी हुई थी, उनसे पेन ड्राइव लेंगे और ही देखेंगे। हम लोग पेन ड्राइव लेने आए शादी का सीडी देखने का। हेलो, छाता लेके जाओ। ले लिया, चल। पेन ड्राइव तो ले लिया है, बट अभी दिक्कत है कि हम लोग देखेंगे कहाँ, क्योंकि हमारी टीवी तो बहुत छोटी है, बॉक्स वाली, जूने जमाने वाली। तो फिर कुछ है नहीं, तो देखते कुछ जुगाड़ करते। चाची को पूछना पड़ेगा कि कहाँ से मिलेगा। तो टीवी का भी जुगाड़ हो गया है। मैंने अभी मेरे भाभी को कॉल किया था, जो कि यहाँ पे रहती है हमारे घर के बाजू में, तो उनसे मैंने पूछा कि हम उनका टीवी ले सकते क्या। वो तो यहाँ पे रहते नहीं है, तो टीवी ऐसे ही है, पड़ी है घर पे, तो सोचा उनको पूछ लेते। तो उन्होंने हमें परमिशन दिया है, तो अभी निकालेंगे और फिर उसमें देखेंगे घर पे बैठे बैठे। तो अभी फटाफट सेटअप कर लेते हैं, फिर चालू करेंगे वीडियो। तो सेटअप हो चुका है और टीवी चालू भी हो गई है। वी आर एंजॉयिंग, हम सब लोग देख रहे हैं बैठ के। सपना यहाँ पे है, तन्नू यहाँ पे है, अभी चाची और सब लोग भी आ जाएंगे देखने के लिए। 2 hours later. अभी तो सिर्फ आधा देख के हुआ है, बट बीच बीच में लाइट जा रही है, अभी भी लाइट गई है, तो सोचा कि पहले चाय पी लेते, फिर वापस लाइट आने के बाद देखेंगे। बारिश में कुछ काम नहीं है, तो सब लोग हमारा आरू चोरने के लिए आ गए यहाँ पे। देखिए अरे बस करो, टूट जाएगा। हाँ पूरा टेढ़ा हो गया, ये उसको थोड़ा सीधा कर दे। हाँ चाची थोड़ा टेढ़ा हो गया। सो ये उत्तराखंड का और एक फल है जिसको आड़ू बोलते हैं, और हमारे घर के पास देखिए कितना झाड़ है, 1 2 यहाँ पे है तीसरा। तो टोटल हमारे घर के पास 3 झाड़ है इसका। अभी फिलहाल एक झाड़ का थोड़ा सा हम लोगों ने खाया, थोड़ा पका हुआ था। क्या चाहिए भाभी आपको? अंडा है, आलू, आलू भी है थोड़ा सा। देखो है, आपको कितना चाहिए? हाँ 1 किलो हो जाएगा। रुको ये लेके आता हूँ, इसमें इसमें रख दो ना आप पहले। ये वाला बस। हेलो, आज घर पे फुल मिक्स वेज भाजी बन रही है, जिसमें है करेला, बीन्स, आलू और आड़ू भी है। तो देखिए आज जो आड़ू हमने निकाला था उसका भी सब्जी बना रहे, देखते हैं कैसी बनती है। आज फर्स्ट टाइम मैं आड़ू की सब्जी भी ट्राई करूंगा, मतलब मिक्स है वो, उसमें आड़ू भी है। तो आज तन्नू और सपना यहाँ पे अंदर वाली किचन में रोटी बना रहे, क्योंकि बाहर पूरा बारिश और गिल्ला हो गया, बाहर नहीं बना सकते। तो चलिए व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।